गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो वेदर चेंज हो गया है सूरत में, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आपको पता है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे हमारी डाइट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही डिटॉक्स वाटर्स भी हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, हर्बल टीज भी हमारी जो इन्फ्यूज होती है वो भी चेंज हो जाती है। सो उसी के अकॉर्डिंग जो जो इन्ग्रीडियंट्स हमारे सीजनल अवेलेबल होते हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी सब चीजों को इंक्लूड करना होता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा डिटॉक्स वाटर जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, इसको बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल से सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। डिटॉक्स वाटर बेसिकली क्या होता है, इन्फ्यूज वाटर होता है जिसमें हम कुछ फ्रूट्स को, कुछ हर्ब्स को इन्फ्यूज करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को इन्फ्यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी को इंटरनल से क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी को इंटरनल से क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, आपके जो अंदर से आपको हाइड्रेट भी रखता है। इसी बहाने आप अच्छे अच्छे जो हमारे हर्ब्स होती है उनको इन्फ्यूज करके आप ले लेते हो, या फिर आप उसको अच्छे से कंज्यूम करते हो, जैसे फ्रूट्स के कुछ बनाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के हम लोग बनाते हैं, और ये काफी हद तक आपके वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अगर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अगर हम बनाते हैं तो। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ये हैं कि आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि बीटरूट का बना सकते हो, या फिर उसमें सीड्स को इंक्लूड कर सकते हो, जो आपकी बॉडी को टॉक्सिन से रिमूव करता है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन को निकालता है। इसको लेने से आपका यूरिन भी ज्यादा पास होता है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को इंटरनल से बहुत क्लीन करता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ आपको इसको बनाना कैसे है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं। सो सबसे पहले आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ। ये है, मैंने लिया है सौंफ, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने ली है शिया सीड्स या बेसिल सीड्स, जो आपके पास इजिली अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने लिया है सेफ्रिन, मैंने ली है ग्रेप्स अभी सीजनल हर सिटी पे अवेलेबल है, तो जो भी सीजनल सिट्रस फूड आपकी सिटी में अवेलेबल हो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बीटरूट मैंने इसलिए लिया, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में हेल्प करेगा, और वैसे भी सीजनल है तो लेना चाहिए। और मैंने लिया है लेमन जूस, ओके, हाफ लेमन का जूस है, लेमन बिग था, अगर आपका छोटा सा लेमन है तो आप फुल लेमन का जूस भी ले सकते हो। और मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है 500 ml ऑफ वाटर, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें इन्फ्यूज कर दूंगी, फेनी सीड्स जो है, उसके बाद शिया सीड्स या बेसिल सीड्स जो आपकी सिटी में इजिली अवेलेबल हो, थोड़ा सा सेफ्रन हम लेंगे, ग्रेप्स, पाइनएप्पल जो आपको पसंद हो, ऑरेंजेस आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। स्पेशली ये आपकी डाइजेशन के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज इसमें हमने शिया सीड्स इंक्लूड किया और हम लोगों ने फेनी सीड्स जिसको हम सौंफ बोलते हैं वो इंक्लूड किया है। जो लेमन है वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, और जो बीटरूट है वो आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, और जो सौंफ है वो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी। और करना कुछ नहीं है, इसको हमने मिक्स कर देना है सिंपली अपने, ओके, एंड देन इसको अपने पास हमने रखना है, और सारा दिन इस वाटर को हमने सिप सिप करके पीना है, और शाम के 6 बजे से पहले पहले अप्रोक्सीमेटली आपने फिनिश कर देना है। ये वाटर का कलर भी अच्छा है, और आपके जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपने इसको कंज्यूम भी करने हैं, ओके। सो इसके अलावा आपको क्या करना है, ये पानी बना के आप लोग रख दो, और जब तक आपके सीड्स जो है वो तब तक पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, एकदम जैसे वो पूरे फूल जाते हैं वैसे ही आपने होने देना है, और उसको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के लिए इस वाटर को आपने रखना है। और आप इसको ठंडा करके भी पी सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हो अगर आपको हॉर्मोनल इश्यू है। तो ये सारे इंग्रीडियंट्स को 40 मिनट्स के लिए इन्फ्यूज करें, उसके बाद इसको सिप सिप करके आराम से पिए, और आप उसको अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे के अंदर आराम से पी के इसको फिनिश भी कर सकते हो, सारे इंग्रीडियंट्स भी कंज्यूम कर सकते हो, ओके। जो लोग मेरे मार्च का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, और उन लोगों ने जो मैंने अपलोड किया था अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने काफी अच्छा वेट लॉस भी किया है। और मैं जो हमेशा बताती हूँ कि 10 दिन में एक बार आप लोग डिटॉक्स भी करो, और उस वो डिटॉक्स भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी कि कौन सा डिटॉक्स आपको करना चाहिए। और 15 दिन का प्लान आपको पता है चेंज होता है, तो 15 डेज के बाद मैं एक नई वीडियो भी अपलोड करूंगी कि 15 डेज के बाद आप कौन सा डाइट प्लान अभी आप लोग फॉलो करो। सो इस वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और इस डिटॉक्स वाटर को जरूर ट्राई करना,
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फिर मैं जल्दी आपके साथ समर डिटॉक्स टी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो आप मेरे मार्च के डाइट प्लान के साथ ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आप मेरा मार्च का वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहे हो तो मुझे जरूर बताएं कि आपने कितना केजी वेट लॉस किया, बिकॉज मैंने तो अभी तक 10 kg लॉस कर चुकी हूँ, बट अभी मुझे 8 to 10 kg और लॉस करना है। और अगर आप मेरे स्पीड स्लिम प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें आप मैक्सिमम वेट लॉस कर सकते हो। ये बहुत बजट प्लान है जिसको हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिट रहे, अच्छा खाना खाएं और हेल्दी रूटीन को हमेशा फॉलो करते रहें।